हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेदस्व इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, हमने बात की थी पिछले लेक्चर में किंगडम एनिमेलिया में, हमने टीनोफोरा तक कवर किया था। क्लियर? आज हम आगे क्लियर करेंगे, टीनोफोरा के अगली वाली फाइलम की तरफ हम चलेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फाइलम के बारे में। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको बता दूं, मेदस्व इंस्टीट्यूट आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लाया। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में भी कहा था, आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर। YouTube पर तो आप वीडियो लेक्चर देख ही रहे हैं, साथ ही में अगर आप इस वीडियो को अपने Facebook मीडियम के थ्रू देख रहे हैं तो आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट अगली जो भी वीडियोस आपको एनिमल किंगडम या फिर डाइवर्सिटी से रिलेटेड मिलेंगी, उसके लिए आप तैयार रहें और आप यहां से अपने क्रैश कोर्स की तैयारी या अपने आने वाले नीट एग्जाम के लिए तैयारी कर सकें। स्टूडेंट, साथ ही में आपको टेलीग्राम चैनल पर भी हमें फॉलो करना है, सो दैट आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड हो सकें। जो भी वीडियोस आप यहां पर देख रहे हैं, आप इनकी PDF नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेरी है तो आप ईमेल कर सकते हैं हमें, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है, साथ ही में आप वहां पे क्या कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं एनरोल करने के लिए क्रैश कोर्स में। क्लियर? चलिए, तो आज हम शुरू करेंगे टीनोफोरा से। क्लियर? तो हमने बात की थी पोरीफेरा के बारे में, जिसमें हमने डिफरेंट एग्जाम्पल पढ़े थे सिलेंट्रेटा के। आज हम बात करेंगे टीनोफोरा। स्टूडेंट, टीनोफोरा फाइलम में क्या है? सबसे पहली जो इनकी इंपॉर्टेंस है, दैट इज दे आर बायोल्यूमिनेसेंट। क्या होते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिसका क्या मतलब होता है, ये एक लाइट एमिट करते हैं। इनके पास क्या ताकत होती है, या हम बोल सकते हैं कौन सी पावर होती है, दे एमिट लाइट। आप जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, जो कि एक GIF है, आप देख रहे हैं इसमें क्या कर रहे हैं, लाइट एमिट कर पा रहे हैं। क्लियर? साथ ही में इसके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि इनका एक और नाम से इन्हें बुलाया जाता है, सी वॉलनट्स एंड कॉम्ब जेलीज। तो इन्हें एक और नाम से बुलाया जाता है, सी वॉलनट्स एंड कॉम्ब जेलीज। कहाँ पर मिलते हैं स्टूडेंट्स ये? ये मरीन होते हैं, दैट मीन्स खारे पानी में मिलेंगे, सॉल्टी वाटर जो होता है। स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये क्या होता है, रेडियली सिमेट्रिकल। तो अभी तक हमने जो भी पढ़े, या हमने पोरीफेरा पढ़ा, वो कैसा था, एसिमेट्रिकल, और ये वाला कैसा है, रेडियली सिमेट्रिकल। हमें पता है रेडियली सिमेट्रिकल क्या होता है, जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं किसी भी प्लेन से। हो सकता है वो वर्टिकल हो, या फिर हॉरिजॉन्टल हो, या फिर डायगोनल प्लेन हो, उस वो हमेशा दो इक्वल पार्ट में ही डिवाइड होगा। साथ ही में स्टूडेंट्स, इनके पास क्या होता है, एक्सटर्नल रोज होती हैं। आपने जैसे एग्जाम्पल देखा भी होगा, NCERT में दिया है, इनके पास क्या होती हैं, एक्सटर्नल रोज होती हैं, ठीक है, जो कॉम्प्लेट्स जिनको कहा जाता है, इसलिए इनका नाम क्या है, कॉम्ब जेलीज। क्लियर? सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट नहीं होते, दैट मींस मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही ऑर्गेनिज्म में होगा, तो उसे क्या कहेंगे हम, हर्मेफ्रोडाइट। तो आपकी टर्मिनोलॉजी भी क्लियर होनी चाहिए और काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप बायोलॉजी में आगे अच्छे से बायोलॉजी को समझ सकते हैं। क्लियर? रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स। तो स्टूडेंट्स, कोई भी सेक्सुअल मेथड नहीं है टीनोफोरा के पास जिससे वो रिप्रोड्यूस कर सके, दे कैन ओनली रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मीन्स। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, दैट मीन्स देयर इज द प्रेजेंस ऑफ लार्वल स्टेज, विच इज सिडिपिड लार्वा, वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन बी आस्क्ड योर इन योर नीट एग्जाम्स। क्लियर? सो आपको ये याद रखना है, विच लार्वा, कौन सा लार्वा होगा इनके पास, सिडिपिड लार्वा। एग्जाम्पल क्या क्या है स्टूडेंट्स, प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनोफोरा। तो ये सारे एग्जाम्पल प्लूरोब्रैंकिया के, एंड दिस वन इज टीनोफोरा। क्लियर? तो ये छोटा सा फाइलम है जिसमें ज्यादा कुछ नहीं आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू NCERT, क्योंकि हम अभी प्योर NCERT कर रहे हैं। हम एडवांस जो मैं पढ़ाना शुरू करूंगा आपको बायोलॉजी, एक बार ये NCERT के गो थ्रू हो जाए, हम आपको NCERT कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम एडवांस वर्जन भी पढ़ लेंगे इन सभी फाइलम्स का। क्लियर? नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, प्लेटी हेलमिथिसिस। सो स्टूडेंट्स, प्लेटी हेलमिथिसिस क्या होते हैं, दीज आर फ्लैट वर्म्स। सो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये कैसी होती हैं, फ्लैट वर्म्स। तो आपको फ्लैट वर्म्स, जैसे मैं नाम लूं, आपको एक चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए कि ये अगर फ्लैट है तो इनके बीच की कैविटी नहीं होगी। तो अगर इनके बीच कोई कैविटी नहीं होगी, दैट मीन्स दे आर एसिलोमेट्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली फाइलम प्रेजेंट इन होल एनिमल किंगडम विच आर एसिलोमेट्स, राइट? व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दे डोंट हैव सिलोम।
सिलोम क्या था? इट इज अ बॉडी कैविटी कवर्ड विद मेसोडर्म, दैट इज ट्रू सिलोम, राइट? इफ दे डोंट हैव एनी कैविटी दैट मींस दे आर एसिलोमेटस, क्लियर? विद ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? दैट मींस दे हैव ऑर्गन टू परफॉर्म ऑल द बॉडी फंक्शंस लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, लाइक रेस्पिरेटरी, एवरीथिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ऑर्गन्स, क्लियर? एंड दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे, दोज फाइलम्स जो भी इससे पहले वाले थे, वो कैसे थे? डिप्लोब्लास्टिक. एक और चीज आपको याद रखनी है, हम जैसे जैसे फाइलम्स को आगे आगे पढ़ते जाएंगे, एनिमल्स भी एडवांस होते जाएंगे, क्लियर? साथ ही में उनकी मॉर्फोलॉजी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएगी. क्यों? क्योंकि उनके पास ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो रही है, और वो काफी अच्छे से डेवलप हो रही है. दैट मीन्स देयर आर मोर कनेक्शंस, ज्यादा कनेक्शंस होंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम होगा, ज्यादा एडवांस एनिमल बनेगा, क्लियर? दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल. सो ये तो हम डायग्राम से भी देख सकते हैं कि ऑर्गन्स कैसे होते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं. और इससे पहले वाला टीनोफोरा कैसा था? रेडियली सिमेट्रिकल, राइट? सो स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में अगर इस फाइलम से कोई क्वेश्चन आता है तो वो यही है, दैट दे हैव फ्लेम सेल्स फॉर विच हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, क्लियर? सो ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीशन में कौन से सेल्स हेल्प करेंगे? फ्लेम सेल्स. क्यों नाम है इनका फ्लेम सेल्स? क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं ना, ये फ्लेम की तरह दिखते हैं, जैसे फायर की जैसे फ्लेम होती है ना, इसी तरह ये सेल्स जो है वो इनकी फॉर्मेशन होती है, क्लियर? सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दैट मींस मेल एंड फीमेल इज प्रेजेंट इन ओनली वन बॉडी, विच मींस दे आर ऑल्सो हर्मेफ्रोडाइट, क्लियर? फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस एंड सिस्टिक सर्कस लार्वा इज वन ऑफ देम. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, विच इज सिस्टिक सर्कस लार्वा, जो आपको याद रखना है. Some members like planaria possess high regeneration capacity. What is regeneration capacity? In which organism can develop its जिसको हम बोल सकते हैं क्लोन बना सकता है through regeneration. तो regeneration capacity क्या होगा? मान लो ऐसे कोई organism है, तो अगर इसका कोई part कट जाए तो ये वापिस से खुद को क्या कर लेता है? उस part को बना सकता है. बात समझ में आई? तो example क्या होगा? Tinea solium, which is टेपवॉर्म. टेपवॉर्म मोस्टली किसके थ्रू ह्यूमन बॉडी में एंटर करती है? हो सकता है वाटर के थ्रू एंटर करे, ठीक है? वाटर जब भी आप इंजेस्ट करते हो, इफ इट इज कंटेमिनेटेड विद टेपवॉर्म, जो कि आपको दिखेगी नहीं जब आप वाटर कंज्यूम करेंगे, तो ये आपकी बॉडी में एंटर कर सकती है. सेकेंड द मोस्ट जिसको हम बोल सकते हैं सबसे ज्यादा केसेस में ये किसके थ्रू जाती है? थ्रू पॉर्क मीट, ठीक है? जो लोग पॉर्क का मीट कंज्यूम करते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इस टेपवॉर्म के जाने के. व्हाई? बिकॉज ये कहाँ रहती है मोस्टली, या इसका जो लाइफ स्पैन है वो किसके थ्रू कंप्लीट होता है? पॉर्क के थ्रू, क्लियर? तो पॉर्क में जो पॉर्क का मान लो ये क्या है, ये एक मीट का टुकड़ा है, एक मान लो स्लाइस है, तो अगर ये इन्फेक्टेड है टेपवॉर्म से तो इसको हम बोलेंगे पॉर्क मीजली. इसे एक नाम दिया जाता है, दैट इज पॉर्क मीजली. बात समझ में आई? MEASLY, क्लियर? सेकेंड, और ये क्या होती है स्टूडेंट्स? Tinea solium इज एंडोपैरासाइट इन ह्यूमन बींग ऑल्सो. ये एक ह्यूमन बींग की इंटेस्टाइन है, जहां पे ये काफी ज्यादा आई मीन वी कैन से कि ये काफी ज्यादा लेंथ में इंक्रीज कर सकती है खुद को, ठीक है? अगर कोई व्यक्ति या कोई ह्यूमन कैसा है, काफी हेल्दी है, तो उसको इनिशियली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब ये एक लेंथ से ऊपर निकल जाएगी तो ये काफी ज्यादा इफेक्ट करने लगेगी, और आपकी बॉडी से काफी ज्यादा अमाउंट में जो फूड को वो कंज्यूम करने लगेगी, तो आप काफी ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको डॉक्टर्स की सलाह लेनी पड़ती है. एंड सेकेंड वन इज फेशियोला, विच इज लिवर फ्लूक, दैट इज फेशियोला हिपेटिका, क्लियर? सो ये प्लेटी हेलमेथिसिस के कुछ एग्जाम्पल्स थे, विच आर प्लेटफॉर्म्स. तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं वो आपको याद रख लेने हैं एग्जाम पर्पस के लिए, क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एस्कलमेंथेसिस. सो व्हाट आर एस्कलमेंथेसिस? इनका दूसरा नाम क्या होता है? नेमेट हेलमेंथेसिस, ठीक है? इन्हें एक और नाम से भी बुलाते हैं नेमेटोडा. एक और नाम है स्टूडेंट्स राउंड वॉर्म्स.
ठीक है, तो ये राउंड वर्म्स होती हैं, आप डायग्राम में देख के बता ही सकते हो कि ये क्या है, राउंड वर्म्स हैं। एग्जाम्पल देख लो आप पहले इनके, तो पहला एग्जाम्पल है एस्केरिस। तो एस्केरिस क्या है, राउंड वर्म है। इस एस्केरिस क्या है, जीनस है, स्पीशीज क्या होगी इसके साथ, लुम्ब्रिकॉइडस। तो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस क्या कॉज करती है स्टूडेंट्स, एस्केरियसिस। ठीक है, क्या कॉज करेगी, एस्केरियसिस। ये भी क्या होती है, एंडोपैरासाइट होती है, दैट मीन्स इट विल कॉज यू एस्केरियसिस इनसाइड द, कहाँ पे मिलेगी हमारी, इंटेस्टाइन में। क्लियर। जो फीमेल होगी वो लार्जर होगी मेल से, एंड मेल का जो पोस्टीरियर पार्ट होगा दैट इज राउंडेड। तो फीमेल में ये राउंडेड नहीं है, बट इन मेल इट इज राउंडेड। तो राउंडेड वाले पार्ट पे क्या होगा, पीनियल सीटे होगा साथ, जो कि टेल वाला पार्ट होगा। बात समझ में आई। और ये क्या होती है, इनसाइड द ह्यूमन इंटेस्टाइन, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, एंडोपैरासाइट। सेकंड एग्जांपल इज वुशेरिया, इसको हम वुचेरिया भी कहते हैं, विच इज फिलेरियल वॉर्म। ठीक है, वुचेरिया क्या है, जीनस। तो स्पीशीज कौन सी होगी, ब्रैंकोफ्टा है। ठीक है, ब्रैंकोफ्टा है। तो आपको ये याद रख लेना है, वुचेरिया ब्रैंकोफ्टा है एंड फिलेरियल वॉर्म एक ही है। क्या कॉज करती है, फिलेरियसिस। क्या कॉज करेगी, विच इज दिस इन ब्लू कलर, क्या कॉज करेगी, फिलेरियसिस, जिसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, एलिफेंटियसिस। तो आपने एलिफेंटियसिस सुना होगा नाम, जिसमें क्या हो जाता है, एक पूरा जो लेग वाला पोर्शन है वो काफी ज्यादा ब्रॉड हो जाता है, या हम कह सकते हैं स्वेलिंग आ जाती है, जो एक एलिफेंट लेग की तरह दिखाई देगा। क्लियर। एंकाइलोस्टोमा थर्ड एग्जाम्पल है, विच इज हुक वर्म। बात समझ में आई। अच्छा, इसमें होता क्या क्या है, राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें पता चल ही रहा है कि अगर इनके पास एनस है, एस्क्रिटरी पोर्स हैं, गोनोफोर्स हैं, माउथ है, दैट मीन्स इट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, हमें डायग्राम देख के पता चल रहा है दैट इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ओनली फ्रॉम वन प्लेन, दैट इज बायलेटरली सिमेट्रिकल, एंड दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो अभी के बाद आप जितने भी ऑर्गेनिज्म पढ़ोगे, या फिर प्लेटी के बाद आप जितने भी ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हो, वो सारे क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एंड दे आर सूडोसिलोमेट। स्टूडेंट दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाई, बिकॉज दे आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स जो कैसे हैं, सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट का मतलब है कैविटी तो प्रेजेंट है, बट जो मिजोडर्म है दैट इज इन पैचेस, विच मीन्स कि एक कंप्लीट मिजोडर्म नहीं होगी, एक पैचेस में इसमें मिजोडर्म जो है वो लाइनिंग बनाएगी, इनर इंटरनल ऑर्गन्स या हम बोल सकते हैं कि बॉडी कैविटी के अंदर वाली लाइनिंग पैचेस में होगी। So that's why they are pseudocoelomate. Elementary canal कैसी है, complete है, with well developed muscular pharynx. तो इनके पास क्या present होगा, muscular pharynx. बात समझ में आई। Sexes are separate. तो इसमें sexes क्या होंगे, separate होंगे। देखो male अलग है, female अलग है। So that means they are not hermaphrodite and they are dioecious. तो मोनोशियस कौन होंगे, जिसमें मेल और फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट होंगे। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फाइलम है स्टूडेंट्स, फाइलम एनेलिडा। तो फाइलम एनेलिडा क्या है, सबसे पहले देखो दे एग्जिबिट ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। हमें पता है अभी के बाद, अभी आई थिंक सिलेंट्रेटा के बाद तो कोई भी ऑर्गेनिज्म आपको टिश्यू लेवल पे नहीं मिलेगा। सो सेलुलर लेवल पे एक ही था, दैट इज पोरिफेरा। टिश्यू लेवल पे थे टीनोफोरा एंड नाइडेरिया, सिलेंट्रेटा था जो। एंड उसके बाद जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं या जो फाइलम्स आप पढ़ेंगे, वो उन सभी में क्या होगी, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, एंड दे हैव बायलेटरल सिमेट्री। तो सिमेट्री का आप आइडिया डायग्राम से लगा सकते हो। इसके एग्जाम्पल्स देखो, पहले नेरिस है, सेकंड फेरेटिमा है विच इज अर्थवॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, एंड थर्ड इज हिरुडिना। हिरुडिना इज ब्लड सकिंग लीच। तो आप अगर आपको इनकी मॉर्फोलॉजी पता है, तो आपको इस चीज में कोई दिक्कत नहीं होगी, दैट दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, वेल नोन फैक्ट है स्टूडेंट्स। जितने भी फाइलम हमने टीनोफोरा के बाद पढ़े हैं, वो सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। And they are metamerically segmented. This is the new term. ये क्या होते हैं, metamerically segmented. तो annelida, जब आप इसका diagram भी अगर देखो, तो they are
सेगमेंटेड, इसमें अराउंड अराउंड कितने सेगमेंट्स होंगे, अराउंड इसमें होंगे स्टूडेंट्स 120 के करीब सेगमेंट्स होते हैं। तो टोटली अगर हम देखें तो इसमें कितने होते हैं 120 सेगमेंट्स। स्टूडेंट्स मेल और फीमेल पार्ट एक ही बॉडी में होगा, तो आप ध्यान से देखो ये पार्ट आपको अलग नजर आ रहा है ना, दिस वन इज क्लाइटेलम। क्लाइटेलम क्या होता है, क्लाइटेलम इज फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है इन अर्थवर्म। आपके लिए क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, और आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है ये क्लाइटेलम जो है ये कौन कौन से सेगमेंट्स हैं। देखो कुछ सेगमेंट होते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरह बिहेव करते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में ये लिखना है या इस चीज का आंसर करना है कि जो ये क्लाइटेलम पार्ट है ये कौन कौन से सेगमेंट्स है। इसके पीछे वाले जितने भी पार्ट्स है दोज आर प्री क्लाइटेलम एंड आफ्टर क्लाइटेलम या पोस्ट क्लाइटेलम, जो इसके बाद वाले जितने भी सेगमेंट्स आते हैं। इसके पर सेगमेंट को मेटामर्स कहा जाता है, इसलिए इसमें कौन सी सेगमेंटेशन कहा जाता है, इसे मेटामरिकली सेगमेंटेड है ऑर्गेनिज्म। दे आर सिलोमेट, मैंने कहा ए सिलोमेट सिर्फ प्लेटी हेलमेथिसिस है एंड सूडो सिलोमेट्स ओनली आपके नेमेटोड्स हैं। क्लियर। बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट और मेटामर्स। तो बॉडी क्या होती है, बाहर से ही दिख जाते हैं कि इसमें क्या है, सेगमेंटेड है। इसके पर सेगमेंट में जो इस तरह से अगर सेगमेंट है तो इधर जो ये लाइनिंग है, इसकी जो लाइनिंग होती है जो इसे डिवाइड करती है सेगमेंट्स को, इसको क्या कहा जाता है, सीटे। क्या कहा जाएगा, SETAE, इन्हें क्या कहा जाता है, सीटे, राइट। नेक्स्ट है दे पोजेस लॉन्गिट्यूड, दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इनकी क्रॉलिंग या हम बोल सकते हैं इनकी मूवमेंट के लिए कौन सी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, दोज आर लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। एक्वेटिक एनिलेट लाइक नीरिस पोजेस लेटरल अपेंडेजेस। तो आप देख सकते हो नीरिस का एग्जाम्पल, इनके पास क्या है, मसल्स तो है ही साथ ही में अपेंडेजेस भी प्रेजेंट है, विच आर लेटरल अपेंडेजेस, दोनों साइड को है ना, दोनों साइड में पेयर्स में प्रेजेंट होंगे। पैरापोडिया जिन्हें हम कहते हैं, तो इन लेटरल अपेंडेजेस को क्या कहते हैं, पैरापोडिया, विच हेल्प्स इन स्विमिंग, जो स्विमिंग में क्या करेंगे, इनकी हेल्प करेंगे। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम विच मींस दे पोजेस ब्लड वेसल्स। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या था, इनके पास क्या होंगे, ब्लड वेसल्स, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके पास ब्लड वेसल्स नहीं होंगे। इनके पास क्या होता है स्टूडेंट्स, नेफ्रिडिया होता है, हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, तो इनके पास न्यूरल सिस्टम में क्या होता है, एक पेयर्ड गैंग्लिया होता है कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व कॉर्ड इन अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो इनके पास क्या होता है, पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होता है जो किसके थ्रू कनेक्टेड होता है, लेटरल नर्व्स, और किसके साथ कनेक्टेड होता है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड के साथ। क्लियर। गैंग्लिया क्या होता है स्टूडेंट्स, जब दो या चार ग्रुप बनता है न्यूरॉन्स का, दैट इज गैंग्लियन। क्लियर। नीरिस क्या है, एक्वेटिक फॉर्म इज डायोशियस होता है, ये डायोशियस मींस मोनोशियस क्या होता है, मोनोशियस होता है, अभी हमने पीछे एग्जांपल भी पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, हमने डायोशियस टर्म पढ़ी है अभी अभी, ठीक है। सो सेक्सेस आर सेपरेट, दैट इज डायोशियस। तो यहां भी क्या है, दे आर डायोशियस, दैट मीन्स सेक्सेस आर सेपरेट इन नीरिस फॉर्म। बट अर्थवर्म लीचेस आर मोनोशियस, दैट मीन्स अर्थवर्म एंड लीचेस में क्या है, देखो अर्थवर्म में मेल और फीमेल एक ही पार्ट में, जो मेल पार्ट होता है वो क्लाइटेलम से पहले वाला पार्ट होता है। तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है जो मेल पार्ट होता है ये कौन कौन से सेगमेंट का होता है। तो आपको दो क्वेश्चन हो गए, आपको फीमेल पार्ट के सेगमेंट्स के नाम बताने हैं और मेल पार्ट के सेगमेंट्स के नाम बताने हैं। मेल पार्ट भी क्या होता है, 3 से 4 सेगमेंट्स का होता है, जिसमें पेयर्ड में मेल पार्ट जो है वो प्रेजेंट होगा, तो आपको वो नाम बताने हैं सेगमेंट्स। क्लियर। साथ ही में क्या, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, तो कोई सेक्सुअल मेथड नहीं है रिप्रोडक्शन का, दैट इज ओनली डन विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जांपल्स हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो आई होप आपको एनिलिडा के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। एंड इनमें रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स आप लिख लो, रेस्पिरेशन किसके थ्रू होती है, स्किन के थ्रू। तो स्किन के थ्रू अगर, जैसे अर्थवर्म है वो स्किन के थ्रू अगर रिस्पायर करेगी तो इसे एक स्पेशल टर्म दी जाती है या इसे एक स्पेशल नाम दिया जाता है, दैट इज
क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्या कहा जाएगा? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, या आपसे टर्म डायरेक्टली पूछ ली जाएगी तो आपको ये आनी चाहिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा। स्टूडेंट्स आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, पहली बात। दूसरी बात, आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड एंड पोडा मीन्स लेग्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म इसमें आएंगे जिनके पास क्या होंगी, जॉइंटेड लेग्स प्रेजेंट। लार्जेस्ट फाइलम है हमें पता है, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमें पता है। दे आर बायलैटरल सिमेट्रिकल, अगर आपको इसमें एग्जांपल्स अगर आपको याद है तो आपको पता होगा दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, वेल नोन फैक्ट है। सेगमेंटेड होंगे, तो इसमें सेगमेंट्स इतने ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन ये कैसे होंगे, हेड थोरेक्स एंड एब्डोमन में इनके सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। हो सकता है एब्डोमन में 1 to 10 तक सेगमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल कौन सा है, कॉकरोच। ठीक है, तो एब्डोमन में सेगमेंट्स ज्यादा हो सकते हैं, बाकी हेड एंड थोरेक्स रहेंगे। सिलोमेट होते हैं स्टूडेंट्स, क्या होते हैं सिलोमेट, दैट मीन्स दे पोजेस सिलोम विद सिलोमेट, मतलब शाइजो सिलोमेट भी जिन्हें कहा जाता है, जिनके पास ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, विच मीन्स कैविटी इज लाइन विद मेसोडर्म। राइट, बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड विद काइटनस एक्सोस्केलेटन। स्टूडेंट्स आपने ना कॉकरोच वगैरह देखे होंगे तो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, अगर आप उनका एक्सोस्केलेटन चेक करो तो उस एक्सोस्केलेटन को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज काइटनस। बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड थोरेक्स एंड एब्डोमन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक गिल्स एंड बुक लंग्स, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन यहीं से आएगा। बुक लंग्स क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है जो कि एक बुक्स की तरह फ्लैप्स होते हैं, वो उसकी तरह दिखते हैं, इसलिए इनके ऐसे नाम है। क्लियर, और ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट होगा, दैट मीन एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम ट्रैकिया। राइट, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ओपन। ओपन मीन्स दैट मीन्स दे डोंट हैव ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स नहीं होगा, ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करेगा, और ब्लड में क्या होगा, हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट नहीं होगा, दैट मीन्स दे डोंट हैव आयरन ग्रुप। आयरन ग्रुप की वजह से क्या होता है, इनके पास आयरन नहीं होता है, इसकी इसके इंस्टेड ऑफ आयरन दे कंटेन कॉपर, तो इसलिए इन इनमें जो ब्लड का जो पिगमेंट है जो कैरी करता है ऑक्सीजन को, दैट इज कॉपर, इसलिए इनका नाम क्या है, इस जो पिगमेंट है उसे हम क्या नाम देंगे, हीमोसाइनिन। हीमोग्लोबिन नहीं बोलेंगे क्योंकि इनमें आयरन नहीं होता है, कॉपर होता है, क्या नाम होगा, हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन की वजह से इसका कलर रेड ना होकर क्या होगा, ब्लू होगा, तो दे कंटेन ब्लू ब्लड। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीने प्रेजेंट है, कंपाउंड आईज प्रेजेंट होती है, स्टैटोसिस्ट होते हैं इनके पास जो कि बैलेंसिंग का काम करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, स्टैटोसिस्ट वाला। एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू मालपेजियन टिब्यूल, तो आपने पढ़ा ही होगा, अगर आपने कॉकरोच का डायग्राम भी पढ़ा होगा, आई थिंक आपने प्लस वन में पढ़ा होगा तो आपको ये याद होगा, प्लस वन में आगे वाले चैप्टर्स में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये याद होगा कि मालपेजियन टिब्यूल का वहां पर नाम आया है। दे आर मोस्टली ओविपेरस, ओविपेरस मीन्स दे ले एग्स। क्लियर, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों में से किसी में भी हो सकती है, डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स कौन कौन से हैं, एपिस हनी भी है, जो एपिस की क्या है, एपिस जीनस है, और इसकी स्पीशीज क्या होगी, इंडिका। सो एपिस इंडिका, एंड एक और स्पीशीज है स्टूडेंट्स, एपिस डॉर्सेटा। तो आपको दोनों याद रखनी है, आप आने वाले चैप्टर्स में आपको ये फायदेमंद होगी जब आप इसके बारे में थोड़ा ज्यादा भी पढ़ोगे। क्लियर, नेक्स्ट एग्जांपल है बॉम्बेक्स विच इज सिल्क वॉर्म, बॉम्बेक्स मोरी, मोरी क्या है, स्पीशीज है, तो आपको पूरा नाम याद रखना है, एटलीस्ट एक स्पीशीज तो आप याद रख ही सकते हैं, तो इट इज बॉम्बेक्स मोरी विच इज सिल्क वॉर्म। नाउ नेक्स्ट वन इज लेसिफर विच इज लैक इंसेक्ट, एंड थर्ड क्या है, कुछ वेक्टर्स भी आते हैं आर्थ्रोपोड में लाइक एनोफ्लीज, जो क्या कॉज करती है, जो क्या कैरी करती है प्लाज्मोडियम को। राइट, क्यूलेक्स है एंड एडिस, एडिस मॉस्किटो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एडिस मॉस्किटो कौन से इन्फेक्शन को या कौन से ऑर्गेनिज्म को कैरी करता है, या इसकी वजह से कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है। राइट, ग्रिगेरियस पेस्ट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ग्रिगेरियस मीन्स जो झुंड में रहते हैं, जो ग्रुप्स में रहते हैं,
क्लियर? तो ग्रुप्स में कौन रहेगा? लोकस्ट, विच इज लोकस्ट। लिविंग फॉसिल है विच इज लिमुलस, जो क्या है? किंग क्रैब है। लिविंग फॉसिल का मतलब क्या होता है? लिविंग से मतलब हमें समझ आता है कि वो अभी भी, ऐसा नहीं है कि वो बहुत सालों से जिंदा है, उसकी स्पीशीज क्या है, बहुत सालों से जिसकी स्पीशीज में कोई चेंज ना आया हो, जिसकी मॉर्फोलॉजी में कोई चेंज ना आया हो, और वो काफी हजारों सालों से उसी मॉर्फोलॉजी में है और उसमें कोई भी म्यूटेशन या कुछ भी मतलब चेंजेस नहीं आए हैं, तो दैट इज लिविंग फॉसिल। इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म व्हाट इज लिविंग फॉसिल? गिंको। आपको याद रखना है ये भी, राइट? हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी में आगे। गिंको इज अ लिविंग फॉसिल इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। सो इन हेयर इन आर्थ्रोपोडा इट इज लिमुलस विच इज किंग क्रैब। आप यहाँ पर देख सकते हो किंग क्रैब और कॉकरोच। कॉकरोच का साइंटिफिक नेम क्या है स्टूडेंट्स? पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। एंड लैसिफर इज लैक इंसेक्ट विच इज इन द ब्लू कलर इन दिस डायग्राम। सो इसकी क्या है आगे? क्लासेस हैं विच इज इंसेक्टा, अरेक्निडा एंड क्रस्टेशियंस। इंसेक्टा में बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमने लिखे हैं, तो आपको सारे याद नहीं करने हैं, बस कुछ एक आपको पता होने चाहिए, राइट? वैसे ही अरेक्निडा में है जिसमें स्कॉर्पियंस आते हैं, स्कॉर्पियोनिडा। एक्रेना आता है जिसमें टिक्स एंड माइट्स आती हैं। अरेने आते हैं जिसमें स्पाइडर्स आते हैं, राइट? इन क्रस्टेशियन इट इज क्राइफिश, फिश, लाइस, हॉर्सशूज, श्रिम्प्स आते हैं, लॉबस्टर्स आते हैं, सीड श्रिम्प्स आते हैं, ठीक है, ब्राइन श्रिम्प्स आते हैं एंड ब्रैंकिल्स आते हैं। तो आपको ये कुछ एक एग्जाम्पल जो आपको ईजी लगते हैं आपको पता होने चाहिए, साथ ही में आपको इन तीनों क्लासेस का नाम पता होना चाहिए, राइट? तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोलस्का के आगे, मोलस्का इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। एंड देन कॉर्डेटा में हम पढ़ेंगे यूरोकॉर्डेट्स, और हम बात करेंगे सिफेलोकॉर्डेटा वर्टिब्रेटा की, राइट? तो उसमें हम आगे क्लासेस भी पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे ऑस्टिकथिसिस, कॉन्ड्रिकथिसिस, साथ ही में हम पाइसिस में ये दोनों पढ़ेंगे, कॉन्ड्रिक एंड ऑस्टियोथिसिस, एंड उसके बाद एम्फीबियंस, देन रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमेलिया। तो बहुत आसान है किंगडम एनिमेलिया, आपको बस विजुअलाइजेशन जो पिक्चर्स आपको दिखाई जा रही हैं आपको याद रखनी है, और साथ ही में इनके कुछ फीचर्स याद रखने हैं, जो भी मैंने इंपॉर्टेंट कहा है वो आपको याद रखना है, क्लियर? तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे किंगडम मोलस्का से, सॉरी फाइलम मोलस्का से। Thank you so much. Thanks for watching.